मुझे लगता है कि जो सारे लोग हैं मैडम सर के सेट पे सारे बहुत अच्छे हैं, बीट एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सारे डिपार्टमेंट से सभी बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत वार्म्थ है सब में। और आई थिंक यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे आउट ऑफ प्लेस तो बिल्कुल भी नहीं लगा, बिकॉज पहली बात तो बैक ऑफ द माइंड आई नो कि मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। दोस्ती तो बन जाती है, अभी ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे दोस्ती बना लेते हैं, वी जस्ट बिकम फ्रेंड्स विद फ्यू और बाकी सबके साथ हमारे हेल्दी कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, अभी मेरा यहाँ पे आई थिंक आज मेरा 9वां या 10वां दिन है एंड आई थिंक बहुत अच्छी बॉन्डिंग इन अ हेल्दी वे हो चुकी है सबके साथ। हम लोग साथ में लाइन्स रिहर्स करते हैं, यू नो रीड करते हैं, तो वहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो जाती है वो हो जाती है, बट अदरवाइज सारे बहुत ही अच्छे हैं। मैं भी बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ और क्योंकि ये इसका जो जॉनरा है वो कॉमेडी है तो हंसते हंसते हम सीन्स कर लेते हैं, तो इट्स फन। युक्ति के साथ डेफिनेटली मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है बिकॉज मैं युक्ति को नमः से जानती हूँ, हमने नमः साथ में किया था तब से हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, सो ऑफकोर्स मेरा युक्ति का बॉन्डिंग ज़्यादा इंटेंस है। गुलकी के साथ मेरे कुछ सीन्स हुए तो हमारी भी हंसी मजाक होती है, मैं उसको इसी शो पर मिली हूँ, एक दो बार ऐसे बात हुई है बट हमने बैठ के कभी ऐसे बातचीत नहीं की है, बट इस शो के थ्रू मैं उसको जान रही हूँ। भाविका के साथ मेरे अब तक कोई सीन्स नहीं हुए तो आई कांट रियली से मच, बट विद अदर एक्टर्स बिल्लू जी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है, चिंगारी गैंग में तो जो मेरे गैंगमेट्स हैं उनके साथ तो है ही, प्लस प्रियांशु के साथ बहुत अच्छी है, पुष्पा जी के साथ बहुत अच्छी हुई क्योंकि मेरे सीन्स हुए हैं उनके साथ, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है। एंड दे आर, एज आई टोल्ड यू, बहुत अच्छे हैं वो लोग क्योंकि कंफर्टेबल फील कराते हैं सीन्स में भी, अदरवाइज भी हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं अभी, सो अच्छा माहौल है एंड हम एक दूसरे को अपनी स्पेस भी देते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारते हैं, तो आई थिंक वो बैलेंस्ड आउट है।